नईगढ़ी थाना क्षेत्र से लापता महिला के साथ दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के लिए सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने वालों ने आरोप लगाया कि मामले की नामजद शिकायत की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आइए सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। मैं बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष रीवा एडवोकेट अमित कर्नल, आज ही ऑफिस का घेराव इस वजह से हम लोगों को करना पड़ा और ये पूरे ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं कि केत नामक प्रार्थी जो है आज तक जो है तो गायब है। और मामला ये है कि सामने वाला जो आरोपी गुरु तिवारी है, उसने जो है तो जबरन उस महिला के साथ जो है तो बलात्कार किया और इस मौके को जो है तो घटना को जिन उसकी पतों ससुर ने देखा और इसमें बीच बचाव किया तो जो गुरु तिवारी है उसने उनके ससुर को ही मारा और वहां से भगा दिया, जिस कारण जो है तो आज तक वो महिला लापता है और उसको जो है तो आज तक खोजा नहीं गया। ये मामला जब मनियामा थाना में गया तो थाना प्रभारी द्वारा जो है तो उल्टा इनके परिजनों को ही मारपीट करके भगा दिया गया, और जबकि देखा गया कि सामने वाले व्यक्ति आरोपी जो है तो साक्षात उसके साथ वो पाए गए और जो है तो आरोपी जो है तो अभी तक आरोपी के पास से वो महिला नहीं आई, तो अपहरण का मामला छोड़कर जो है उन्होंने गुमशुदगी का दर्ज किया, पूर्ण रूप से बचाव करने का उन्होंने काम किया। गुरु तिवारी थाना प्रभारी के साथ बैठकर अंदर बातें कर रहे हैं और जो पीड़ित परिजन है उनको बाहर बैठा दिया गया। ये कई सारे मामले जो है तो सवाल खड़े करते हैं। और इसी तरह से जो है तो दूसरा मामला बनगमय थाना का है, कुइयां खुर्द का, जिसमें जो है तो जमीनी विवाद के चलते सावित्री चौधरी को जान से मार दिया गया रात में घुसकर, और जो है तो उसमें भी मामला दर्ज होता है 302 का, लेकिन अज्ञात लोगों के, लेकिन जबकि यह स्पष्ट है उसके पति को होश आने पर उसने बयान देता है कि फलाने फलाने आरोपियों ने घुसकर मारे और मेरे सामने मेरी पत्नी की हत्या किए हैं, लेकिन उस पर जो है तो नामजद न करके अज्ञात कर दिया गया। थाना प्रभारी की पूर्ण मिलीभगत है, यह हमें शंका थी यार, हमने आज ही साहब से इस बात को हमने रखा और उन्होंने जो है तो अभी जो है तो डायरी मंगाई है शाम तक, और उसमें हमें उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी, अन्यथा हम लोग हफ्ते भर के अंदर अंदर फिर से जो है घेराव करेंगे, जरूरत पड़े तो हम धरना प्रदर्शन के साथ साथ अनशन भी बैठेंगे। थाना प्रभारी से मिले लेकिन उन्होंने जो है तो कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्होंने दिया नहीं, बस इतना कह देते हैं कि हाँ हाँ कार्रवाई हो रही है, देख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह नईगढ़ी थाने का भी मामला है, उन्होंने भी जो है तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि यहाँ धारदार हथियार से लोग पीड़ित पक्ष वहाँ पर गए लेकिन उनको जो है तो मारपीट करके भगा दिया गया आरोपियों से सांठगांठ करके, यहाँ तक तो 6000 का आरोप भी है कि 6000 ले लिया गया और मामला भी दर्ज नहीं किया गया। पुलिस प्रताड़ना से ये पूरा ग्राम जो है तो पीड़ित है, पूरे पीड़ित परिजन आए हैं और यहाँ तक तो सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए पुलिस का टॉर्चर एक नाबालिग बालक को जो है तो रात भर बंद करके मारी और उसके पूरा जो है तो पूरी आज भी फोटो वीडियोज हैं कि मानो उसके पूरे देह में जो है तो उपटा हुआ, पूरे शरीर में उपटा हुआ पुलिस का मारा हुआ। उनका ये है कि जो है तो इसमें हम जाँच कर लें और जाँच करने के बाद हम तुरंत इस पर एक्शन लेंगे।